प्रॉब्लम सबकी लाइफ में है, बस रगड़ना पड़ेगा, बहुत जमके रगड़ना पड़ेगा, बहुत ही जमके, हल्के वाला नहीं, वरना चमकेगा नहीं। फिर अगर चमकना है एकदम लास्ट वाला एकदम चमक चाहिए ना लाइफ में, वो फील चाहिए जो तुम्हारा ड्रीम है, उस ड्रीम को ऐसा ड्रीम बनाओ जो देखने में लगे कि पूरा नहीं हो सकता, और फिर उसके लिए मेहनत करो कि उसको पूरा करना है। अपना ड्रीम जब लोगों को बताओ, लोग तुम पे बिलीव ना करें, लोग तुम्हारा मजाक उड़ा दें, तब तुम सोचो कि तुम अच्छा ड्रीम सोच रहे हो। अगर तुम छोटी मोटी बात कर रहे हो कि ऐसे कर लेंगे, हम भी ऐसे ही थे, सब ऐसे ही होते हैं कि एक नॉर्मल सैलरी मिलेगी, जॉब मिल जाएगी, लाइफ चलेगी, बढ़िया लाइफ होगी, सही होगी। बट मैं पागल बना था, मेरे अंदर बहुत ज्यादा पागल बना, कोचिंग टाइम से, कॉलेज टाइम से, मेरा स्कूल तक नहीं था इतना पागल बना, स्कूल तक मैं ठीक था, मेरा पागलपना चढ़ गया स्कूल में, मेरा टेंथ के बाद स्टार्ट हुआ थोड़ा पागलपन, मैं पागलपना, तो पागलपना होना बहुत जरूरी, लोग बोले ना पागल हो एकदम, मेरे बोले बहुत कमेंट आते हैं एक पागल टीचर कैसे पढ़ाता है, बहुत जरूरी होता है, वो पैशन होता है आपका, तो एकदम पागलपना होना चाहिए। कोचिंग में बहुत लोग मेरा मजाक उड़ाते थे, ये क्या है फिजिक्स वाला, ऐसा लग रहा है चाय वाला हो, जैसे सब्जी वाला हो, मेरे ऊपर फर्क नहीं पड़ा, एक कैप्ट ऑन वर्किंग इट, ठान लो तो ठान लो कि करेंगे, यही दुनिया हंस रही हंस रहे, ठान लो ठान लो, मैंने तभी ये ठाना था कि इसको मैं बना के रहूंगा। और एकदम जब सब सही चल रहा था ना कोचिंग में, सब मेरा स्टेबल हो गया था, तब मेरे अंदर पागलपना फिर से चढ़ा, मैंने कहा उसको भी छोड़ दिया, मेरे पास कोई दूसरी जॉब नहीं थी, मतलब मेरे फादर मुझसे कह रहे थे कि तुम मेरे को पहले इंसान ऐसे दिखे हो जो दूसरी नौकरी मिलने से पहले पहली नौकरी छोड़ दिया, ऐसा तो कोई नहीं करता, पर मेरे अंदर पागलपना था, नहीं यार कुछ करके दिखाना है, लगे रहे। अभी वी हैव नॉट मेक इट, मैं ये नहीं कह रहा हूं मैंने कर लिया है, मैं बता रहा हूं कि लगा रहा ठान लिया तो करके रहना है। ये आपको एटीट्यूड लाना पड़ेगा अगर आपको वो सच में चाहिए जो आप सोच रहे हो, सच में अगर वहां पहुंचना है। अगर आप सिर्फ बातें करते हो लोगों के बीच में, दोस्तों के बीच में, परिवार के बीच में, ये करना चाहता हूं, काश ऐसा हो जाता लाइफ में, मजा आ जाता अगर लाइफ ऐसी हो जाती, और उसके लिए आप मेहनत इतनी सी करते, सपना इतना बड़ा देखते, उसके लिए मेहनत इतनी सी आप कर रहे हो, तब वो नहीं होगा बच्चा। हम में से हर कोई, टैलेंटेड है, हम में से हर कोई टैलेंटेड है, घिसना पड़ता है यार, कोई पैदा नहीं होता ना, कहते हैं क्या बोलते हैं सर, आपके पास तो इनबॉर्न टैलेंट है, किसी के पास इनबॉर्न नहीं होता है, इनबॉर्न टैलेंट डेवलप करता है इंसान अपनी सराउंडिंग से, अपनी सोच से, अपने इंटरेस्ट से, अपनी हॉबी से, इन सब से डेवलप करता है। हाउ मेनी ऑफ यू हैव अ हॉबी इवन, शायद आपके पास कोई हॉबी ना हो, मेरे पास हॉबी थी ड्रामेटिक्स एक टाइम पे, अब मेरे पास ड्रामेटिक्स मेरे को नहीं मिलता तो मैं इसी लेक्चर के बीच में अपने ड्रामेटिक्स भी खेल लेता हूं जहां मजा मिलता है। तो ये जो बोलते हो ना कि बॉर्न इनबॉर्न टैलेंट, ये सब नहीं होता यार, इनबॉर्न कोई टैलेंटेड है, कोई गाता अच्छा, बेटा वो मेहनत करता है, रियाज करता है, 12-12 घंटे बैठ के वो रियाज कर रहा है, तब उसकी वो आवाज में वो निखार आता है। वो तो तेज है सर, मैं तो धीमा हूं, अरे कितना साल हुआ अभी, तू कितने साल का है, 18 साल का है, उसने मैक्स टू मैक्स 10 साल ज्यादा पढ़ाई की होगी, तू यहां से लाइफ में 10 साल मेहनत कर ले, काम बन जाए, तू 10 साल उससे दुगनी मेहनत कर, तिगनी मेहनत कर, काम बन जाएगा, कोई आगे पीछे नहीं हुआ है, सबकी अपनी टाइमलाइन है, सबकी अपनी टाइमलाइन है, अपना फ्यूचर देखो, ये मत देखो वो कहां है, रिलेटिव वेलोसिटी है भाई साहब, सब रिलेटिव वेलोसिटी खेलो, बहुत तेज लग रहा है ना तो अपनी स्पीड बढ़ाओगे, रिलेटिव वेलोसिटी से एक टाइम ऐसा आएगा जब डेल्टा एस को तुम जीरो करोगे, उसके बाद डेल्टा एस तुम्हारा पॉजिटिव हो जाएगा, अभी डेल्टा एस नेगेटिव है ना, तुमको लग रहा है रेस में सबसे पीछे हो, बट उसके लिए बेटा तुमको एक्सेलरेटेड मोशन चाहिए होगा, अभी आप रिटार्डेड मोशन से चल रहे हो, वेलोसिटी नीचे गिरती जा रही है। अगर आपके पास लाइफ में समय बच रहा है फालतू की चीजें करने का, फालतू चीजें सोचने का, मेरा एक टीचर थे, नाम नहीं लेंगे, मतलब वो जो भी थे, पढ़ाते तो बहुत खराब थे, पर उन्होंने एक लाइन बड़ी अच्छी बोली थी कि अलग बेटा जब तुम्हारी जिंदगी में क्या, अलग बेटा जब तुम्हारी लाइफ स्मूथ चलने लगे तो समझ जाओ लाइफ में कुछ गलत हो रहा है। क्या तो लाइन, अब बताओ उस टीचर का पढ़ाया वो मुझे कुछ नहीं याद, यही तो होता है यार टीचर, मैंने उस पढ़ाई उसका केमिस्ट्री पढ़ाया उस बंदे का कुछ नहीं याद है, पर मेरे दिल में आज भी इज्जत है, मैं उनकी लाइन बता रहा हूं, अब नाम बोलूंगा तो गलत हो जाएगा, पहले ही बोल दिया पढ़ाया अच्छा नहीं था। उन्होंने बोला था कि बेटा लाइफ जब स्मूथ चलने लगे तो समझ जाओ लाइफ खराब चल रही है, तो अगर आपकी लाइफ स्मूथ चल रही, सब बढ़िया चल रहा है ना, तो अच्छा नहीं चल रहा, आप ड्रीम से तो बहुत दूर हो अपने। अगर आपने बचपन में कभी ड्रीम देखा भी था ना कि ये कर दे तो क्या मजा है, आप यूट्यूब देखते हो, आप टीवी देखते हो, आप पेपर में पढ़ते हो, आप मैगजीन देखते हो, आपको लगता है यार ये मैं क्यों नहीं हूं, आप उस टाइम देखते हो 5 मिनट के लिए, पर उस 5 मिनट के सिवा आप 23 घंटे 55 मिनट जो कर रहे हो उसकी वजह से आप वो नहीं बन पा रहे।
एकदम आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, कोई शॉर्टकट नहीं है। स्मार्ट वर्क इज ग्रेटर देन व्हाट हार्ड वर्क, और ट्रिक्स बनाएंगे, ये बनेंगे, वो करेंगे। अरे हजारों चीज दुनिया करती है, अंत में सक्सेसफुल घिसने वाला ही होता है जो हार्ड वर्क करता है और उसके अंदर स्मार्टनेस लाता है, सब कुछ एक साथ करता है। स्मार्टनेस लाना भी हार्ड वर्क होता है, अपना शेड्यूल अच्छे से डिजाइन करना, उसको फिर फॉलो करना, फिर उस शेड्यूल में रिविजन का टाइम डालना। स्मार्टनेस का ये मतलब थोड़ी ना है कि कम करो। वो तो आपने देखा होगा ना कि हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट व्हेन टैलेंट डज नॉट वर्क हार्ड, सुना होगा, बड़ी अच्छी कोट है ये। मेरे मैथ्स के टीचर थे आर के उचल, इनका नाम ले सकता हूँ, आर के गुप्ता सर, ये इनकी शीट के पीछे लिखा हुआ था, मैथ्स की शीट हम लोग सॉल्व करते थे, वहां लिखा था हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट व्हेन टैलेंट डज नॉट वर्क हार्ड, सिंपल। यही सब चीजें है बेटा, आपको अभी घिसना है, अभी कुछ करना। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पैसा ही कमा लो, एकदम एग्जैक्टली पैसे में नहीं, मतलब अगर आपका कोई ड्रीम है और नहीं है तो लेके आओ, वरना लाइफ तो वैसे भी मीनिंगलेस है। हम सब क्यों पैदा हुए, हमें लाइफ में क्या करना है, हम क्यों जी रहे हैं, हम पैसे क्यों कमाते हैं, वो तो वैसे भी मीनिंगलेस है, है ना। ये सब तो पूरा एक मोह माया है, डिजिटलाइज मोह माया चल रही है पूरी, है ऐसा पूरी डिजिटल दुनिया है, हमको डिजिटल पूरा एकदम मोह माया है। बट इसके अंदर हमारे मन में जो एक हमारा एक गोल होता है, उसको अचीव करने का जो एक पैशन होता है, उसी में तो लाइफ का मजा है। मैं तुमको कसम से बता रहा हूं, आज मैं बाहर निकलूं, मेरे ऊपर से गाड़ी निकल जाए या मेरे को पीछे से कोई मार के चला जाए, गोली लग जाए, कुछ हो जाए, कुछ हो जाए, मैं आज बीमार हो जाऊं, मेरे को मरते वक्त ये लगेगा यार मैं कर रहा था, मेरे को ये नहीं लगेगा कि यार मैं काम चोरी कर रहा था, मैं कुछ कर नहीं पाया लाइफ में, यार यार लाइफ में कुछ बन नहीं पाया यार, ऐसे ही चले गए, है ना। लाइफ इज वेरी अनसर्टेन, लाइफ इज वेरी अनसर्टेन। आप सोच रहे हो मैं कर लूंगा भी लाइफ बहुत बाकी, लाइफ का कोई भरोसा नहीं है, लाइफ का कोई भरोसा नहीं। आपको जितना करना है आज करो, अभी करो, तगड़ी मेहनत चाहिए। अभी होता क्या, मेरी इतनी बातें अभी यहां तो दिल में लग रही हैं, अभी तो समझ में आ रहा है, फील भी आ रहा है, करना है, करके दिखाना है, हो जाएगा। बट जाते ही 5-10 मिनट बाद सब चीजें खराब। बेटा हम लोग साथ भी ऐसा होता है, सबके साथ ऐसा होता है, जो आपके साथ होता है कि मोटिवेशन डाउन हो जाता है, चीजें खराब होने लगती हैं, चीजें खत्म होने लगती है। बट जब आपकी गोल सेट होगा ना कि वहां पहुंचना ही है, रगड़ के, घिस के, कभी रुक के, कभी टेढ़े होके, तो आप वहां पहुंच जाओगे। अभी उसका रास्ता पढ़ाई है तो अभी पढ़ाई कर लो, बाकी आप किसी और चीज को लाइफ में चेस करो तो उसको चेस करो, कोई दिक्कत नहीं, आप उसको भी चेस करो।